दोस्तों गंगा नदी पर बने इस राजघाट पुल की कुल लंबाई 1048.5 मीटर है। भारतीय उपनगर महाद्वीप का यह पहला पुल है जिसके ऊपर सड़क मार्ग तो नीचे रेलवे मार्ग है। इतिहास के पन्नों में इस पुल का नाम डफरिन पुल के नाम से दर्ज है। आज़ादी के बाद 5 दिसंबर 1947 को इस पुल का नाम बदलकर मालवीय पुल रख दिया गया। बनारस के लोग इसे राजघाट पुल के नाम से जानते हैं। इस पुल को भी लोग ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं। इस पुल से गुजरते हुए आप बनारस के अद्भुत घाटों का दर्शन भी कर सकते हैं। प्राचीन समय में काशी के राजाओं का निवास स्थान इसी घाट के समीपवर्ती क्षेत्रों में था, जिसके कारण घाट का नाम राजघाट पड़ा। घाट के सामने गंगा में महिषासुर तीर्थ होने से कुछ लोग इसे महिषासुर घाट भी कहते हैं। राजघाट काशी के प्राचीन घाटों में से एक है, जिसका उल्लेख मौर्य काल में भी मिलता है। संदर्भों के अनुसार गढ़वाल शासकों का महल भी यहीं था। घाट क्षेत्र में बद्रीनारायण, राम जानकी, संत रविदास मंदिर एवं दो मठ स्थापित हैं। ऐसी मान्यता है कि संत रविदास ने काशी के इसी घाट पर अपना निवास स्थान बनाया था। दोस्तों, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।